वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप हंगरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और इसका तरीकाकार क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अगर पाकिस्तानी स्टूडेंटों ने अप्लाई करना है तो वो 2 स्टेप्स प्रोसेस होगा, लेकिन अगर किसी और मुल्क के सिटीज़न ने अप्लाई करना है जिसके पास किसी और मुल्क का भी पासपोर्ट है, जैसे जिस कोई अमेरिकन है, ब्रिटिशर है, इंडियन है, नेपाल का है या किसी और कंट्री का है, तो उसके लिए सिर्फ 1 स्टेप होगा। तो सेकेंड स्टेप जो होगा वो पाकिस्तानियों के लिए है, सिर्फ 2 स्टेप। तो जो सेकेंड स्टेप है वो मैं लास्ट में बताऊँगा। पहला स्टेप जो है वो पहले मैं बताता हूँ। जो नॉन पाकिस्तानी है उन्होंने सिर्फ पहला स्टेप करना है और उनका एडमिशन हो जाना है, लेकिन पाकिस्तानियों को दूसरा स्टेप भी करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं पहला स्टेप जो हर एक ने करना है। अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। मैंने इसकी साइट खोली हुई है हंगरियन प्रोग्राम स्कॉलरशिप की, इसके ऊपर जाके मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया है अप्लाई हेयर। अप्लाई हेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया है फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर। फाइंड प्रोग्राम जैसे ये खुलेगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम निकल आए हैं। बेसिकली ये हंगरियन गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप है, तो इसलिए इसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। वैसे अगर आपने हंगरी के अंदर अप्लाई करना है किसी एक यूनिवर्सिटी में तो आपको स्पेशल उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा, और 1 बाय 1 जितनी यूनिवर्सिटी हंगरी के अंदर, जैसे हंगरी के अंदर 30-40 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंडिविजुअल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो गवर्नमेंट ने अपना एक मखसूस प्रोग्राम रखा हुआ है ताकि आप इसके ज़रिए आप तब सबके अंदर स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल किसी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको अलहदा से उसकी साइड पर जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं इसके अंदर आपने सिलेक्शन कैसे करनी है। जैसे देखें, मैंने यहाँ से सबको क्लियर कर दिया, मैंने सिर्फ इंग्लिश को कर दिया, यहाँ मैंने इसको फुल टाइम कर दिया, यहाँ से मैंने इसको 25 कर दिया। यहाँ से आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है किसके अंदर आपने एडमिशन लेना है। फर्ज किया मैं यहाँ से कर देता हूँ कि मुझे मास्टर के अंदर एडमिशन लेना है, तो जहाँ पे मैं टिक कर दूंगा। यहाँ पे टिक करने के बाद मैं देखें, अभी मैं नीचे आया हूँ तो नीचे उसने मुझे प्रोग्राम बता दिए। इसके अंदर 1032 प्रोग्राम हैं जो सब्जेक्ट वाइज हैं, उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट पूरे कंट्री के अंदर जितने भी देखें लिखा हुआ है। एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट होगा मास्टर प्रोग्राम, इस तरह ये होगा, इस तरह ये होगा, हर प्रोग्राम उन्होंने बताया हुआ है। अगर फ़र्ज़ किया अगर मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ कि मुझे कोई डिपार्टमेंट या कोई स्पेशल चाहिए कि किस प्रोग्राम के अंदर मैं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप उसकी फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने फ़र्ज़ किया फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसिस को, इसको टिक कर देता हूँ। जब मैं नीचे आऊँगा तो सिर्फ इससे रिलेटेड ही, यहाँ से फिर मैं फाइंड पे ऊपर करूँगा प्रोग्राम, तो सिर्फ 4 प्रोग्राम निकल आएंगे पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, मतलब कि आपको गवर्नमेंट ये पैसे देगी हंगरी की, तो जब आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। वैसे अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसकी शायद फ़ी होगी, तो लेकिन आप इंडिविजुअल इस यूनिवर्सिटी पर जाके अप्लाई करेंगे। हो सकता है कोई और स्कॉलरशिप भी ये यूनिवर्सिटी दे रही हो, लेकिन ये और टाइप की होगी और ख़ुद यूनिवर्सिटी दे रही होगी। जैसे अभी मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आपने इसके अंदर एडमिशन लेना है फाइनेंस के अंदर इस यूनिवर्सिटी में, बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आपने सिंपल आपने मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। यहाँ पे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है, इनको टोफल आइलेट्स चाहिए, कई यूनिवर्सिटी टोफल आइलेट्स मांग रही हैं, कई नहीं मांग रही, हर एक की डिमांड डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली का यही है अगर आपने पहले से, अगर आपकी स्टडी इंग्लिश के अंदर है तो वो आपसे टोफल आइलेट्स रिक्वायर नहीं कर रही। बाकी कईयों का इंटरव्यू है, कईयों का इंटरव्यू भी नहीं है, कोई आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है स्काइप के थ्रू, कोई कह रही है कि हमने नहीं लेना, तो इस तरह करके हर यूनिवर्सिटी के, इन्होंने कंट्रीज़ लिखे हुए हैं, देखिए कंट्री इन्होंने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में शामिल कर दी हैं, ओमान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जो आप सारे देखने, वेनेजुएला, इसके अंदर सारे ही कंट्री शामिल हैं, ब्राज़ील, जितने सारे हैं। बाकी देखें इंग्लिश का उन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश ले, उन्होंने वैसे लिखा हुआ है लेकिन कईयों के अंदर इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है, कईयों के अंदर ये उन्होंने लिखा हुआ है बैचलर डिग्री वाज टॉट एंटायरली इन इंग्लिश, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और बैचलर डिग्री वाजे तौर पर यहाँ पर देखें लिखा हुआ है। बाकी इसका ये इसका तरीकाकार है। जब आप फर्ज़ किया अगर आपने इसके अंदर अप्लाई करना है तो आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने इसके अंदर अप्लाई कर देना है।
वो एक सिंपल सा एक तरीका है। हर यूनिवर्सिटी का अपना थोड़ा सा डिफरेंट सा फॉर्म होगा, लेकिन जाना आपने यहीं पे और यहीं से आपने अप्लाई करना है। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया उनके लिए जो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, और उन्होंने सिर्फ यही स्टेप करना है और उनका एडमिशन वहाँ पे उनका अप्लाई हो जाने पर बाद में फिर वो आपका वैल्यूएशन करेंगे, प्री वैल्यूएशन करेंगे। प्री वैल्यूएशन के बाद वो फिर आपको बताएंगे आपको उन्होंने एडमिशन देना है कि, तो उसके अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है अप्लाई करने की, और अप्लाई बिल्कुल फ्री है इसके अंदर। तो ये और इसके अंदर एज लिमिट भी कोई नहीं है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। अभी हम चलते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट है उन्होंने किस तरह इसके अंदर एडमिशन लेना है। उनका मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि वो HEC ने भी अपनी साइड पर लिखा हुआ है। जैसे ये मैं इसकी साइड पे आ गया हूँ HEC की, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हंगरियन प्रोग्राम में आपने कैसे अप्लाई करना है। तो उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए स्टेप 1 है कि आपने हंगरी की साइड पे जाके आपने अप्लाई करना है, वो तो मैंने आपको तरीका बता दिया। सेकंड स्टेप ये है कि आपने जाके HEC की साइड के ऊपर भी जाके अपने आप को आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद वो आपसे एक हैट का एग्ज़ाम लेंगे। हैट का एग्ज़ाम लेने के बाद वो फिर आपको अगर आपके उसमें से 100 में से 50 मार्क्स आए, 100 में से 50 से ज़्यादा मार्क्स आए, तो फिर आपको तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसलिए कि पाकिस्तान में उन्होंने एम्बेसी के साथ, जो हंगरी की एम्बेसी है, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है HEC ने कि जिस स्टूडेंट को हम कहेंगे आपने उनको एडमिशन दे, उनको सिर्फ वीज़ा देना है। तो इसलिए ये दोनों के कोलेबरेशन से ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वरना बाकी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं हंगरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, और सिर्फ 1 स्टेप के जरिए। लेकिन 2 स्टेप सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है पाकिस्तान में। तो ये इसका एक तरीकाकार है। अभी बता देता हूँ कि जो आप HEC के ऊपर साइड पे आप जाके करेंगे तो उसका क्या, इसकी आपको मैं डेट बता दूँ, इसकी जो हंगरी प्रोग्राम की स्कॉलरशिप की जो डेट है वो 15 है, 15 जनवरी। जो दोनों स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके पास पाकिस्तान नहीं है, उन्होंने भी 15 इसकी लास्ट डेट है, 15 तक आपने हंगरी की साइड पर जाके अप्लाई करना है। फिर जो सेकंड स्टेप है जो मैं आपको पाकिस्तानी स्टूडेंटों के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, वो सेकंड स्टेप है। उसके अंदर आपको एक हैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो डेट जो अनाउंस जो HEC करेगी वो भी मेरे ख्याल में जनवरी 15 से पहले पहले वो भी कर देगी कि किस डेट को उन्होंने एग्ज़ाम लेना है, या 15 या 20। इसलिए कि इसका जो आपने 15 तक अप्लाई करना है, उन्होंने आपको हंगरी वालों ने भी उन्होंने 2-3 माह लेने हैं आपको अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए आपने HEC का भी देना। मैं आपको बता देता हूँ कि HEC की आपने तैयारी कैसे करनी है, और HEC पे आपने पहले तो आपने HEC के चार साइड पे जाके सिंपली आपने रजिस्टर्ड हो जाना है। जब आप HEC लिखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस तरह एक नॉर्मल सा एक फॉर्म होता है, आपने वो फिल करना है। मेन है कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है और हैट एग्ज़ाम होता क्या है। जैसे अभी मैं यहाँ सिंपली आपको इस साइड पे दिखा देता हूँ हैट एग्ज़ाम क्या होता है, हैट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जो HEC ने पाकिस्तान के अंदर सेट किया। सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंटों के लिए मैं बात अभी कर रहा हूँ। जो फर्स्ट स्टेप था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो इंटरनेशनल स्टूडेंटों के लिए है, वो पूरी दुनिया के स्टूडेंटों के लिए है। लेकिन जो पाकिस्तान के में अंदर रहते हैं उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उन्होंने सेकंड स्टेप भी करना है। सेकंड स्टेप के अंदर ये है कि वो उन्होंने हैट का एग्ज़ाम देना है। इसके अंदर हैट 1, हैट 2, हैट 3, हैट 4 और एक जनरल हैट है। हैट के अंदर हैट 1 के अंदर उन्होंने रखा हुआ है जो इंजीनियरिंग कैटेगरी के लोग हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह के, मैथमेटिक्स के हैं, वो हैट 1 एग्ज़ाम देंगे। जो हैट 2 होगा वो मैनेजमेंट के लोग देंगे। हैट जो 3 होगा वो आर्ट्स के लोग देंगे, और जो हैट 4 होगा ये देंगे मेडिकल के स्टूडेंट। और हैट जनरल है जिसके अंदर म्यूजिक वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी स्टडी करनी है, तो जनरल हैट का टेस्ट दे देगा। ये इसका है। और उन्होंने आगे उसके सेंटर लिखे हुए हैं, जितने जितने मुल्कों में, जितने सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान में इसके सेंटर बनते हैं, हैट HEC जो बनाती है। ये इसका तरीका है। अभी इसका टेस्ट की डेट वैसे अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आपने अगर हंगरी के अंदर आप पहले अप्लाई कर दें तो बाद में जो सेकंड स्टेप है पाकिस्तानी, वो बाद में इसके अंदर HEC के अंदर भी जाके अपने आप को रजिस्टर कर लें, ताकि जब भी उनकी डेट आएगी वो आपको मेल के अंदर बता देंगे कि। और इसका बता दूँ, इस टेस्ट की जो फ़ी है वो है इसकी मेरे ख्याल में 500, वन इसकी फ़ी जो है 1500 इसकी फ़ी है इस टेस्ट की, इस टेस्ट को HEC का जो टेस्ट है। लेकिन जो वहाँ पे हंगरी के अंदर अप्लाई आपने करना है वो टोटली फ्री है, उसकी कोई फ़ी नहीं है, उसके अंदर सारे अप्लाई कर सकते हैं, उसके वो फ्री है। अच्छा, अभी आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने का इसका सिंपल सा तरीका है कि आपने जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, वैसे तो ये जो बुक है ये कोई और भी ले सकता है जो अगर किसी ने अपना नॉलेज को गेन करना है, लेकिन वैसे ये टेस्ट के लिए जो पाकिस्तान ने स्पेशली HEC ने रखी हुई है कि आपने हैट का एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि एक डोगर वाले हैं जो उनकी उनकी बुक्स होती हैं, उन्होंने जो पुराने हेड्स हैं उनकी, उन्होंने उन्होंने सॉल्व क्वेश्चन की बुक्स उन्होंने
इशू की हुई है, आप वो जाके खरीद लें मार्केट से, आप ऑनलाइन भी इनको अप्लाई करके मंगवा सकते हैं। 1150 रुपीज़ की ये बुक है, ये देख लें, ये उन्होंने लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस वालों के ग्रुप के हेड वालों की है, ये उन्होंने लिखा हुआ है प्री इंजीनियरिंग के हेड वालों के लिए है, ये उन्होंने लिखा हुआ है मेडिकल के हेड वालों के लिए। इन्होंने तीनों बुक्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये इन्होंने जर्नल बुक टाइप लिख दी हुई है, जो अगर किसी ने वो करना है तो वो ये वो 2500 की है। ये इस तरह करके ये बुक्स हैं, ये इसका एक तरीकाकार है हंगरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम में एडमिशन लेने का। जो सिंपली पहले तो आप हंगरी के अंदर अभी जाके अपने कोर्स को सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर दें, जो जो नॉन पाकिस्तानी है वो तो सिंपली अप्लाई करके बस वेट करें, उसके अंदर कोई टोफल आइलेट्स नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। और जो सेकंड स्टेप है वो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी जो है वो HEC की साइट पे भी जाके रजिस्टर हो, रजिस्टर होने के बाद वो फिर ये बुक्स खरीदें, बुक्स खरीद के उसकी तैयारी करें और इसका टेस्ट दें। टेस्ट में से आपके 100 में से 50 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो फिर HEC आपको रिकमेंड करेगी उनको हंगरी एम्बेसी हो के, आप इनको एडमिशन दे सकते हैं, आप इनको वीज़ा दे सकते हैं। लेकिन आपने अप्लाई दोनों के अंदर करना है, आपने हंगरी की साइड पे भी जाके अप्लाई करना है और यहाँ से भी, दोनों तरफ से आपको जब ओके हो जाएगा तो फिर आपका एडमिशन हंगरी के अंदर हो जाएगा पाकिस्तानी स्टूडेंटों के लिए। ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है। बाकी मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।